बहुत उसने तप किया, फिर शंकर भगवान, ब्रह्मा भगवान और महेश विष्णु भगवान तीनों को यहाँ पर आना पड़ा। और ये जो ज्योतिर्लिंग है, साक्षात आप देखेंगे लिंग जो है ना वो शिरा ऊपर होता है, लेकिन ये जो ज्योतिर्लिंग है ये नीचे की ओर, ये इसकी एक अचंभो है, इसका ये एक खासियत है कि सब ज्योतिर्लिंग जो ऊपर जाता है ये ज्योतिर्लिंग नीचे है। और तीन सेक्शन बनाया हुआ, उसमें ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, महेश जी का साक्षात्कार किया। त्रिम्बकेश्वर में बहुत ही सुंदर से पूजा अर्चना होता है, और जो भी भक्तजन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर साधु संत जल सेवा देते हैं, रुद्र अभिषेकम करते हैं, फिर रात को 9 बजे यहाँ पर बहुत सुंदर आरती भी होता है। तो आशा है आप पसंद करेंगे, हम बहुत यादव विशेष से। और इसके बाद में जो 12 ज्योतिर्लिंग का जो हमारा तीर्थ यात्रा, जैसे जैसे हम जाते रहेंगे वैसे वैसे आपको हम और भी अन्य 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते रहेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र यादव विशेष से। भारत का ये यात्रा चल रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग का चल रहा है। आज खासकर हम उज्जैन में हैं, उज्जैन अर्थात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर नाम की एक ज्योतिर्लिंग है जो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो होता है शायद बिरले कहीं और होता होगा, क्योंकि यहाँ पर भस्मी चढ़ता है, शंकर भगवान का जो भस्म होता है ना, यूजुअली हम क्या करते हैं विभूति लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर खासकर महाकालेश्वर, महाकालेश्वर में जो जो कहीं एक्सपायर हो जाए उसका भस्म यहाँ पर चढ़ता है बहुत कालों से। तो इसका कथा ये है कि काल नाम के एक दैत्य था जो इस ग्राम में बहुत त्रही त्रही मचा रहा था, अत्याचार कर रहा था, सबको पागल बना रहा था, एकदम मार रहा था, संहार कर रहा था। और एक छोटा सा एक शंकर भक्त था गोकू नाम का। गोकू ने सोचा कि नहीं नहीं, ये काल जो है वो दैत्य, वो मैं उसका पूजा नहीं करता, मैं शंकर भगवान की अनुष्ठान करके उसका पूजा करूँगा। तो क्या होता है, गोकू शंकर भगवान का पूजा करते 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 समय बीत जाता है, और क्या होता है वहाँ काल देखता है, काल देखता है कि ये बंदा जो है मेरा पूजा नहीं करता। तो क्या करता है, वो आकर संहार करने वाला होता है। तो जैसे संहार करने वाला है तो गोकी क्या कहता है, शंकर भगवान त्राहि मां, बचाओ बचाओ करके बुलाता है। तो शंकर भगवान खुद स्वयं प्रकट हो जाते हैं, काल देव को मारकर उसका जो भस्मी है ना, उसका जो भस्मी वो खुद अपने ऊपर लगा लेते हैं। उस दिन से शंकर भगवान के महाकालेश्वर में भस्मी चढ़ता है अभी तक। बहुत सुंदर कथा ये है। और ये जो ग्राम है यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो ज्योतिर्लिंग ऐसे ऐसे होता है, बहुत सारे लोग आते पागल हो जाते। तो ये उज्जैन में महाकालेश्वर का बहुत सुंदर विशेषता है, 4 बजे से 6 बजे तक बैठा, उसके बाद में पूजा अर्चना होता है। और यहाँ पर तो तादाद में लोग होते बहुत, 2 मिनी पीपल। लेकिन याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक महाकालेश्वर, दूसरा ओमकारेश्वर। इसके बाद में हम ओमकारेश्वर में चलेंगे, वहाँ का कथा सुनाएंगे। है कैमरा पर जगदीश राम जी, मैं भी अभी कहीं ना कहीं यात्रा चल रहा है। घूमते घूमते आज हम कहाँ आ गए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में केदारनाथ भगवान है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो 3,500 मीटर्स अबव सी लेवल है, अर्थात 4,000 फीट अबव सी लेवल। तो आप देखेंगे यहाँ पर हिमालय है सब, यहाँ पे
ठंडी है और बारिश भी आ रहा है बिकॉज इट इज़ अ वेरी आइसी प्लेस, बहुत मतलब यहाँ पे कैलाश के नज़दीक है, तो इसके जो अमृत में कथा है वो मैं आपको संक्षिप्त में बतलाना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन ये युद्ध जीतने के लिए आपको शंकर भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, अगर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए तो आपको पशुपात देंगे, वो फिर आपके लिए बहुत काम आएगा महाभारत में। तो अर्जुन की आते यहाँ पर आकर तप करते और पांचों भाई जो पांडव वो यहाँ पर आ जाते और अपने जो दोष है वो उसके निवारण करने के लिए यहाँ आ जाते। तो शंकर भगवान देखते हैं कि परीक्षा लेते हैं कि अर्जुन सही में पशुपात के लिए सही हो गया कि नहीं, रेडी हो गया है कि नहीं, तैयार है कि नहीं, तो वो एक भैंसा के रूप बनाकर आ जाते हैं। मुझे लगता है अरे 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 ये क्या हो रहा है, तो भैंसा भागता है जमीन में, भीम मारता है गदा बहुत जोर से, तो आकाशवाणी होता है अरे पांडव ये क्या कर रहे हो, ये साक्षात शंकर भगवान है, उनको दोष निवारण करने के लिए पशुपतिनाथ पशुपात पाने के लिए और यहाँ पे भी आपने दोष कर दिया, अरे 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 सॉरी सॉरी। तो क्षमा मांगने के लिए पांडव जो है यहाँ पर बहुत सुंदर केदारनाथ भगवान का मंदिर बनवाया क्योंकि स्वयंभू वो हो गए। सुंदर बात तो ये है कि यहाँ पर जल ऐसे नॉर्मल नहीं चढ़ता है, लेकिन खासकर घी का लेप होता है। आकाशवाणी में ये बात हुआ कि घी का लेप से और हमारे केदारनाथ में भगवान ने वो बहुत पसंद होता है। नमस्कार, मैं भी एक बार फिर इंडिया में हम लोग हैं और हमारा ज्योतिर्लिंग का यात्रा चल रहा है। आपने देखा होगा कि अभी तक त्रिलोकेश्वर का दर्शन हो गया, शिरडी का भी दर्शन हो गया और आज हम शनि शिनापुर में हैं। शनि शिनापुर शनि भगवान का बहुत ही प्रबुद्ध मंदिर है, विश्व में प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं। यहाँ का जो प्रभाव ऐसा है कि किसी के घर में ताला लॉक कुछ भी नहीं होता है, सब खुला होता है, यहाँ चोरी नहीं होता, किसी प्रकार के प्रकोप नहीं होता। यहाँ पर जो होते हैं इट्स ऑल अबाउट शनि देवता, सब भगवान का ही है। तो यहाँ पर आकर बहुत सुंदर से आज हमने पूजा अर्चना किया। लोग कभी कभार असमंजस में हो जाते हैं कि शनि भगवान के शिला स्वरूप होता है, शिला मतलब पत्थर या फिर लोहा, तो दोनों पे चढ़ता बहुत सुंदर से और फिर भगवान का बहुत सुंदर से अभिषेक होता है, काला तिल से अभिषेक होता है, कड़वा तेल से अभिषेक होता है, बहुत सुंदर से अभिषेक होता है। तो आज इसका हुआ, याद रहे शनि शिनापुर में एक बहुत सुंदर यहाँ पर ज्ञान मिला है और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये जो साल चल रहा है ये साल है सन 2018। यहाँ पे सब यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं, पंडित लोग हैं, जो भी ये कहते हैं कि अगर ये राशि आपका है तो आपके ऊपर शनि ग्रह का प्रकोप चल रहा है, ये दशा चल रहा है। तो अगर आप मकर राशि रखें तो साल 7 साल तक आपके ऊपर शनि भगवान का प्रकोप है, सन 2018 से 7 साल। अगर कन्या राशि से आप तालुका तक आपकी राशि कन्या है तो 2 साल तक सन 2018 से आपके ऊपर प्रकोप है। अगर धनु राशि है तो 5 साल, वृश्चिक राशि है तो 1 साल भी आपका प्रकोप समाप्त हो जाएगा और अगर ऋषभ राशि है तो 2 और साल में आपका प्रकोप समाप्त हो जाएगा। तो ये शनि बाबा का अभी जो चल रहा है दशा उस पर बच के रहिएगा और पूजा कीजिएगा बहुत सुंदर से शनि भगवान का। ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र जपते रहिएगा और जहाँ जहाँ भी भारत में जाते रहेंगे द्वादश बिल्डिंग चाहे जहाँ पर भी हो वो आपको जानकारी देते रहेंगे। संगम की ओर से है और हम मैं भव्य हूँ यादव विजन से। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन यात्रा में हम निकले हुए हैं और कैमरा पर जगदीश राम जी और नमस्कार एक बार फिर भव्य का नमस्कार यादव विजन से मैं और 12 ज्योतिर्लिंग का ये जो भ्रमण चल रहा है कैसा चल रहा है भारत में आज करके हम विशेष जगह पर आए हुए हैं जहाँ पर जैसे काशी क्षेत्र कहा जाता है काशी। और मैंने भैया से पता लगाया काशी निष्पापी, काशी पापनाशी, तीनों लोक से न्यारी काशी। हाँ, और चार धाम भी था, काशी बनारस वाराणसी आनंदवन, आनंदवन भी, बनारसी भी, काशी भी, पापनाशी भी, और क्या आनंदवन। काशी संस्कृत में नाम है, बनारस पहले अंग्रेजों ने राज्य किया फिर उसके बाद मुगलों ने राज्य किया, तो मुगलों ने इसका नाम रखा बनारस, बना हुआ रस।
बना, किसी को कुछ बनाने की जरूरत नहीं, भोलेनाथ की नगरी में सब बना। जब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने रामायण लिखा श्री रामचरितमानस, तो उसका भाव कोई भी नहीं दे रहा था, सब लोग बोल रहे थे नहीं ये गलत है, श्री राम भगवान का ऐसा नहीं हो सकता। तो काशी में सब लोग विरोध किया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं मुझे साक्षात शंकर भगवान ने कहा है कि मैं रामचरितमानस लिखूं। तो क्या होता है, सब लोग कहते हैं कि ठीक है यही बात है, तो काशी विश्वनाथ में चलो सबसे नीचे रामायण श्री रामचरितमानस रखते हैं, ऊपर और ग्रंथ उपनिषद सबसे रखते हैं, और ये जो काशी का जो मुख्य द्वार है वो बंद करने के बाद में रात भर कीर्तन हुआ, और उसके बाद में सुबह सुबह जब दरवाजा खुला तो जो रामचरितमानस है गोस्वामी तुलसीदास महाराज का सबसे ऊपर आ गया खुद ब खुद, और उसमें लिखा शंकर भगवान ने खुद सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम से लिखा। तो उस दिन से काशी का और प्रभाव था ही था, मानता था ही था, क्योंकि काशी का ब्राह्मण तो बहुत ही मानता है, लेकिन उस दिन से जो रामचरितमानस है गोस्वामी तुलसीदास का बहुत ज़्यादा मानता है। आज हम अंदर तो नहीं लग जा सके ये पता लगे आपको, क्योंकि लोग अगर सोचेंगे बॉबी जी अगर आप हमें भारत का ये दर्शन दिखाई रहे ज्योतिर्लिंग का, लेकिन सख्त मना है, कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं लगे यहाँ पर नहीं अलग भी जगह पे टच नहीं करते, इसीलिए हम बाहर से ही बता पा रहे हैं, लेकिन याद रहे आपको हम भारत में हैं। ये प्रसारण खासकर रेडियो सरगम के लिए है, और आप पसंद कीजिएगा, फिर दूसरे हम क्षेत्र में चलेंगे, मुलाकात होगा। कैमरा पर जगदीश राम जी, मैं बॉबी, और फिर मिलेंगे। नमस्कार। शंकर ज्योतिर्लिंग में आए हुए हैं, बहुत सुंदर से अभिषेक हुआ यहाँ पे, बहुत सुंदर पूजा अर्चना हुआ। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ज्योतिर्लिंग अभी तक हमने देखा है, उसमें ऐसे कोई वर्जित नहीं है कि स्त्री हाथ नहीं लगा सकते, लिंग पोषण जैसे जलेरी है, ऐसे तो शिवलिंग पे लेडीज भी दास करते हैं। जो भी ज्योतिर्लिंग अभी हमने अभी तक किया है सब ने एकदम अलाउ किया है कि नहीं सब लोग कर सकते, तो इसके अंतर्गत मैं आपको एक्चुअली शिव पुराण जो मेरे पास है उसके भी बारे में बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोग ऐसे प्रचार प्रसार कर देते कि लेडीज लोग मतलब लिंग की स्पर्श नहीं कर सकते, तो मैं जो जानता हूँ या फिर जो मैं पढ़ता हूँ या फिर जो मैं सीखता हूँ गुरुजन से मैं सुनता हूँ, और जो ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन करता हूँ, तो उसे ये खुलासा हो जाता है कि सब लोग करते हैं। देन एलिमेंट ऑफ डाउट कम्स इन माइंड कि नहीं नहीं कहाँ लिखा है कि लोग कर सकते हैं, ये अक्सर लोग कहते हैं। तो ये जो शिवपुराण है, शिवपुराण हम पढ़ते उसमें जो 21वां अध्याय है, 21 अध्याय का ये है, मैं पढ़ता हूँ आपको, और आपको पता लग जाएगा कि भव सागर से तरने के इससे सरल उपाय दूसरा कोई नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और स्त्री तथा अन्य सभी ज्योतियों जातियों के शिवलिंग का पूजा करने का अधिकार पूरा और पूरा है, इसमें ये लिखा है। और जो मैं ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता हूँ उसमें भी सब लोग करते, तो ऐसा कभी ना करो कि हमारा भक्ति कहीं भगवान से टूटे, ऐसा हमेशा करो कि भगवान के साथ ही जुड़ा है। कैमरा पर अजय कुमार जी देखेंगे। हमारा ज्योतिर्लिंग का ये जो दर्शन हम करा रहे हैं, हमारा जो टीम कर रहा है, टेलीविजन टीम साथ साथ है, और आज हम श्री साइलम में हैं। श्री साइलम अर्थात आंध्र प्रदेश, IP आंध्र प्रदेश। पहले तो हम क्षमा चाहेंगे कि हमारा गला एकदम से बुरा हो गया, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और जल पीते 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 ठंडी ठंडी मेरी आवाज़ चला गया, तो हम प्रयास करेंगे संक्षिप्त में इसका कथा आपको हम वर्णन करें। चंद्रवती एक महारानी थी, और वो अपनी रॉयल लाइफ से थक गई थी कि नहीं मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे भगवान को पाना है, तो सब कुछ चंद्रवती छोड़कर और यहाँ पर वन में आ गई। वन में क्या करती थी, पूजा पाठ अनुष्ठान ऐसे करके गाय का दूध निकाल के पूजा करती, और जो फ्रूट्स है जो वह सेफ है उस पे ही जीती पूजा करती। तो उसने देखा एक दिन कि एक गाय खासकर दूध नहीं देती है, सब गाय दूध देती है, एक गाय वो सोची उसने ये कि क्या हो गया। तो वो एक दूसरे दिन गाय को फॉलो करते हुए जा रही है, तो देखती है वो जो गाय है वहाँ पर शिवलिंग पे वो दूध खुद दे रही है, आ जाती है, वो चकरा जाती है कि अरे गाय जाकर शिवलिंग पे दूध देकर आती है, अरे इससे बड़ा बात तो क्या है। तो क्या होता है, तो रात को चंद्रवती को रात को शंकर भगवान खुद स्वप्न में आते हैं, कहते हैं कि चंद्रवती यहाँ पर जो शिवलिंग बना है वह स्वयंभू है, उसमें वहाँ पर एक बहुत सुंदर वहाँ पर मंदिर का बिंब मंदिर का आप निर्माण कीजिएगा। तो चंद्रवती क्योंकि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसने ये सलीम अल का अर्जुन बना, ये ग्रामीण
कथा है, एक और गुप्त रहस्य मैं बताना चाहता हूँ। शिव पुराण के माध्यम से ये बात पुष्टिकरण है, एक बार आप ओम नमः शिवाय कहते हैं तो आप 60,000 मंत्र बोलते हैं। 60,000 मंत्र अर्थात 60,000 मंत्र मेक्स वन ओम नमः शिवाय। तो ऑलवेज नो कि एक ओम नमः शिवाय में 60,000 मंत्र छुपा है एज पर शिव पुराण। मैं बॉबी से कैमरा पर श्रीमान जगदीश राम और कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आज आंध्र प्रदेश में श्री सलीमलका अर्जुन का शुभ दर्शन हुआ, हम फिर मिलेंगे। सबका माली आशा ये प्रसाद मैं दे सकता आपको, लेकिन आप दर्शन ही कर लो किस देवी का, ये जो प्रसाद है आपको मिले। याद रहे कि बाबा यही कहते थे, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई, सब एक है, सबका मालिक एक। वो खून काट के पूछते थे ये किसका खून है, किसका रक्त है, मुसलमान का है या हिंदू का है, तो बाद में पता चलता था कोई नहीं, सब एक है। बाबा क्या करते थे, बाबा रामायण लेके और मस्जिद में जाके रामायण पढ़ते थे। बाबा ये क्या करते थे, बाबा कुरान लेके और मंदिर में जाके पढ़ते थे। अब ये बताओ, तो जो कहता है सबका मालिक है और अपने पैसे गंगा निकालते थे, खिचड़ी लेते थे, ऐसे एक से एक। और सबसे बात बड़ी बात यह है कि आज हम शिरडी में है, बाबा 3 दिन के लिए एकदम से समाधि में चले गए थे और उसने कहा कि हम अपने पिताश्री से मिलने जा रहा था। तो 3 दिन के लिए ऐसे सोए हुए थे जैसे कुछ पल्स, टेम्परेचर, हार्ट बीट कुछ भी नहीं। उस 3 दिन के बाद भगवान से मिल के आए हैं। तो बाबा कहिए आज हम शिरडी में है, शिरडी के साईं बाबा, इसके बाद में आपको हम दर्शन देंगे, ले चलेंगे शनि शिंगापुर जहाँ शनि बाबा का दर्शन। कैमरा पे सीता है, मैं बॉबी, और फिर मुलाकात होगा। नमस्कार।